अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। आज मैं आपको बताऊँगी अरसाल, इसका नाम है अरसाल कौफ। इसके बारे में बताऊँगी ये क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इस सब के बारे में आज आपसे मैं बात करूँगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आप बहुत सारे जो है वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हासिल हो सकती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ ये अरसाल कौफ के बारे में है। अच्छा, आपको पता है आपको कि आजकल लोगों को खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सर्दियाँ जब आती हैं तो सर्दियों में खांसी का भी बहुत ज़्यादा, और गर्मियों में भी अक्सर लोगों का सीना ख़राब हो जाता है क्योंकि ठंडा पानी का इस्तेमाल हो रहा होता है। और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको भी ये बीमारी, यानी कि ये आप समझ लीजिए प्रॉब्लम रहती है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका जो सीरप है ये देख लें, ये लिखा हुआ है कोल्ड फ्लू अफेक्टिव है। ये टाइप्स ऑफ कॉफ यानी कि खांसी की जितनी भी आपको परेशानियां उसके लिए। अब हम थोड़े से इसके पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है। खवास देख लीजिए, खवास जो है अखराज बलगम, फेफड़ों की कमज़ोरी, ज़ख़म, निज़ाम तनफ़्फ़ुस की खराबियों, सांस की तंगी, हवा की नालियों की खुश्की, खुशूनत खांसी, नज़ला और ज़ुकाम के लिए मौसर है। सही है, ये कितनी सारी चीज़ें इसमें आपको पता है लिखी हुई हैं। थोड़ा सा ये जो है ये सही हो जाए, फिर मैं आपको दिखाऊँ। इतनी सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें अज्जाए मुरक्कब क्या क्या शामिल है ये भी आप देख लें। मुलैठी, ठीक है, सोमाकल्पा, बांसा, उन्नाब, जौका, खशखाश, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। और ज़ोद हज़म ग़िज़ा इस्तेमाल है इसमें, सिद पुदीना, रोगन सफ़ैद, ये सब है इसके अंदर। अच्छा, इसमें एहतियात क्या करनी है ये भी देख लें। आप जब इसको इस्तेमाल करना शुरू करें तो इसमें कुछ एहतियातें आप देख सकते हैं। तर्शबादी और सकील चीज़ों से परहेज़ करें, हल्की और ज़द नमा ग़िज़ाएँ का इस्तेमाल करें। फ़वाद क्या हैं इसके, आम खांसी, बलगमी खांसी, ज़ुकाम, दमा और फ्लू के लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद है, मौसर है। नेज़ सीना के अमराज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोगों को अक्सर खांसी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए ये खांसी का जो सीरप है आप देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ भी जो है ये है, क्या कहते हैं, सीना बना हुआ है, जैसे जिसको हम वो कहते हैं पसलियाँ वगैरह, फेफड़े। तो जिनको ज़्यादा खांसी होती है उनके फेफड़े सूज जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है उनके साथ, मसला बहुत बढ़ जाता है, इसलिए उनको चाहिए। ये जो सीरप मैं बता रही हूँ ये 120 ml है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करें, ज़बरदस्त चीज़ है, आपको देखिएगा ख़ुद फ़ायदा महसूस होगा। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें अद्वियात में उसको 3 महीने तक ज़रूर इस्तेमाल करें। पहले महीने आपको लगेगा थोड़ा फ़र्क आया है, दूसरे महीने वो आपके फ़र्क में ज़्यादा तब्दीली आएगी, और तीसरे महीने में वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कोई जड़ी बूटी वाला भी अगर आप इलाज कर रहे हैं तो उसको मुकम्मल होने दें। ये नहीं आज किया कोई कल किया कोई, इस तरह आप ख़ुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी। अच्छा, अब ये देख लें पीना कितना है। ठीक है, तरकीब इस्तेमाल, बच्चों को अगर आप देना चाहते हैं तो आप बच्चों के लिए सुबह दोपहर शाम 5 ml यानी 1 चाय का चम्मच, बड़ों के लिए सुबह दोपहर शाम 10 ml यानी 2 चाय के चम्मच। सही है, ये इसकी तादाद लिखी हुई है, ये देख लीजिए। फूड सेफ्टी से भी ये जो है वो हुआ हुआ है, मतलब रजिस्टर्ड है UKAS और ISO NQAISO से भी ये वो है रजिस्टर्ड है। EON फार्मेसी रजिस्टर्ड ये कंपनी का नाम लिखा है। इसके प्राइस जो है वो नहीं यहाँ पे लिखे, लेकिन ये तकरीबन यहाँ लिखे होंगे 90, ये मैंने पहले लिया था तो ये 90 का है, 90 रुपए का है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो जिस तरह महंगाई बढ़ी है
इसके रेट्स हो सकता है थोड़े बढ़ गए हों। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई हो वीडियो, और ये बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, इसलिए पूरी देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।